एस्ट्रोबायोलॉजी है क्या? एज अ सब्जेक्ट हमने एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स मिलाया तो एस्ट्रोफिजिक्स बन गया, हमने केमिस्ट्री मिलाया एस्ट्रोकेमिस्ट्री बन गया, बट अब ये नई फील्ड जो है एस्ट्रोबायोलॉजी, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो समझ आता है कि यार बाहर हो सकती है, हम लोग वहां पर कर सकते हैं, बट स्पेस के बाहर जीवन नहीं है तो कैसे? जरा इसके बारे में कुछ बताइए। आप बिल्कुल सही हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रो केमिस्ट्री हम फिर भी समझ सकते हैं कि बाहर का फिजिक्स समझ रहे हैं, बाहर का केमिस्ट्री समझ रहे हैं, लेकिन लाइफ तो अर्थ के बाहर कहीं पे मिला नहीं है, तो हम फिर एस्ट्रोबायोलॉजी का स्टडी करते क्यों हैं? तो अगर आप लिटरल टर्म से चलें, एस्ट्रो प्लस बायोलॉजी, तो जाहिर सी मीनिंग ये बनती है कि स्पेस बायोलॉजी, बायोलॉजी इन द स्पेस, या फिर उसको एक्सोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और एक और चीज़ जो सबके जहन में आती है वो है एलियंस। क्या एस्ट्रोबायोलॉजी एलियन का हंट है, एलियन का सर्च है? सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ लुजेंडर टॉक्स। भाई पिछले पार्ट में आप लोगों ने जाना कि एस्ट्रोबायोलॉजी होती क्या है और सुभ्रजीत से हमने काफी सारी बात करी। अगर आप दूसरा पार्ट पहले देख रहे हो तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसको मैं सेकंड बना के अगर डालूंगा तो कुछ दिनों बाद आप लोगों को वो सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट में पहली बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सुभ्रजीत से एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे और अब बात करेंगे हम लोग स्पेस ओनोवा के बारे में। तो सुभ्रजीत भाई आपका दोबारा से एक बार स्वागत है और दोबारा से कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मेरे को बुलाने के लिए। और मैं बहुत बढ़िया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी सेफ हैं इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में, और आप सबके नियर एंड डियर वन सब आप कोई सेफ सेफ हैं। हुए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू के साथ। सो पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेसोनोवा के साथ भाई जुड़े हुए हैं। सो शिवम के साथ हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी, शिवम के साथ काफी सारी बात करी थी, वो अगर आप लोगों को देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आई बटन पर भी दे दूंगा मैं आई बटन। बाकी यार यूट्यूब का ग्लिच चल रहा है, पता नहीं आई बटन काम क्यों नहीं करता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूँ। सो सुभ्रजीत भाई सबसे पहले तो स्पेसोनोवा से आप जुड़े कैसे और स्पेसोनोवा में आपका रोल क्या है उसके बारे में हमें एक चीज बताइए। तो स्पेसोनोवा पहले जब एस्टैब्लिश हुई और उनका जितना भी वेबिनार सीरीज चलता था, एस्ट्रोबायोलॉजी के भी कुछ गेस्ट आए थे, जैसे डॉक्टर ग्रैहम लव हो गए, तो मैं जैसे ऐसा देखा कि स्पेसोनोवा एस्ट्रोबायोलॉजी के फील्ड में वो पहला स्टेप लेना शुरू कर रही है, तो मैं उनको कांटेक्ट किया। मैं वहाँ पे पहले तो कुछ दिन एज अ इंटर्न काम किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना जब अपना विजन अपना ड्रीम जब हमने शेयर किया, तो काफ़ी मिलता जुलता देखा, तो हमने एस्ट्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट पे काम करना शुरू किया और एक फुल्ली फंक्शनल एस्ट्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है हम अभी स्पेसोनोवा में, और उस डिपार्टमेंट का मैं हेड हूँ। तो एस्ट्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसोनोवा का विजन यही है कि हम सब लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, अर्थ के बाउंड्रीज को भुलाकर, अर्थ के लिमिटेशंस के ऊपर जाकर लाइफ को समझना, वही हमारा ड्रीम है, वही हमारा मिशन है। और स्पेसोनोवा का जो विजन है वो ये है कि कोई भी बंदा हो, जो कोई भी स्पेस साइंस रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्टेड हो, वो एक करियर बनाना चाहता हो, तो हम उस बंदे को इनफ इंफॉर्मेशन और रिसोर्स प्रोवाइड करें कि वो अपने ड्रीम को फुलफिल कर सके, वो एक एस्टैब्लिश स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट बन सके। तो उसके लिए हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करने का ज़रिया है हमारा मास्टर क्लास, हमारा वेबिनार सीरीज़ और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कि काफ़ी डिटेल्स और इन डेप्थ होता है विथ प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा विजन को सक्सेसफुल करना। इसके अलावा एस्ट्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसोनोवा में हम खुद भी रिसर्च करते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी के ऊपर, अलग अलग बंदे हैं जिनका अलग अलग एक्सपर्टीज़ है, अलग अलग फील्ड से वो बिलोंग करते हैं, और स्पेसोनोवा में एस्ट्रोबायोलॉजी के अलग अलग डोमेन्स पे काम चलता है, अलग अलग डोमेन्स पे हम रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि
लॉकडाउन में आप लोगों ने एक तो ये चीज स्टार्ट करी, स्टार्ट लॉकडाउन में नहीं करी थी, स्टार्ट लॉकडाउन से पहले करी थी शिवम ने, बट लॉकडाउन में आप लोगों ने रिसर्च कैसे किया? लाइक आप कह रहे हैं कि आप लोग रिसर्च भी करते हैं, सो रिसर्च वो किस तरह का रिसर्च है? तो इस लॉकडाउन ने हम सबको फोर्स किया अपने अपने लेबोरेटरी से घर में शिफ्ट होने के लिए और अपने घर को ही काइंड ऑफ अ लेबोरेटरी बना लेने के लिए। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक फुल फ्लेजेड लेबोरेटरी में जितने रिएजेंट्स होते हैं, जितने इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब हम घर पे ला दें, लेकिन कंप्यूटर्स के सहारे से हम कुछ हद तक उस टेक्नोलॉजी को अचीव कर सकते हैं। जैसे आप बायोलॉजी का बात करें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है एक ऐसा डोमेन जहाँ पे हम कंप्यूटर्स और कंप्यूटर टूल्स को यूज़ करके हम रिसर्च कर सकते हैं। इस पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है और सिमिलर काम हमने किया एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए, तो हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए से कंप्यूटर्स पे बैठ के हमने रिसर्च करने का कोशिश किया है, कुछ कुछ काम किए हैं। इसी तरह हर एक जो फील्ड है उसका कोई ना कोई एस्पेक्ट तो कंप्यूटर से मिला जुला रहता ही है। तो कंप्यूटर साइंस अभी इतना डेवलप हो गया है कि हम कंप्यूटर्स के माध्यम से वो रिसर्च कर सकते हैं जो पहले हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, हमको बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अभी कंप्यूटर्स पे बैठ के ही हम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं थैंक्स टू द लॉकडाउन जो ये पॉसिबल हो सका है। सुब्रजीत भाई, आपने ये बताया कि लॉकडाउन में आपने किस तरह से कंप्यूटर साइंस बेस्ड रिसर्च करी, बट एक होता है लेबोरेटरी में रिसर्च करना, क्योंकि बेसिकली जो एस्ट्रोबायोलॉजी है या फिर बायोलॉजी जो भी फील्ड है उसमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है। लाइक फिजिक्स में हम लोग थ्योरेटिकल जा सकते हैं, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका और प्रैक्टिकल करके देखना उस चीज को, कि प्रैक्टिकली अप्लाई करके किसी चीज पे देखना या एक्सपेरिमेंट करके देखना, वो बहुत जरूरी होता है। सो वो आपने किस तरह से किया उसके बारे में हम कुछ बताइए। क्या आपने किसी और का किसी और की हेल्प ली, या किसी और लैब से आपने कांटेक्ट किया, या फिर आपने खुद ही अपने आप कुछ ऐसा जुगाड़ बनाया? सो उसके बारे में बताइए। तो बायोलॉजिकल साइंस में जब से जीनोम सीक्वेंसिंग नाम का एक टेक्नोलॉजी आया जहाँ से हम डीएनए को सीक्वेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं, तब से हमको एक नया विंडो मिला रिसर्च का, जिसको हम मल्टीओमिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो इसके ज़रिए से हम कहीं ना कहीं काफ़ी एक्यूरेट रिसर्च कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल है ये स्टेटमेंट कि हम एक्यूरेट रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रोग्रेस हो रही है, हर दिन हम इम्प्रूव ज़रूर कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने जो रिसर्च किया है वो कहीं ना कहीं एक प्रिलिमिनरी कह सकते हो फॉर अ बिग रिसर्च। तो जितना भी काम हम कंप्यूटर्स के सहारे कर सकते हैं वो तो हमने किया है। इसके बाद हम जो भी कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ के लेबोरेटरीज़ हैं, हम उसका यूज़ करते हैं। वहाँ पे जाके कोई भी हैंड्स ऑन करना रहे तो हम वो करने का कोशिश करते हैं, और फ्यूचर में हम ज़रूर कोलैबोरेट करना चाहेंगे विथ अदर लेबोरेटरीज़। तो अगर कोई भी लेबोरेटरी से ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड ग्लैडली एक्सटेंड माई हैंड ऑफ कोलैबोरेशन। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप में से कोई भी हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं फॉर अ डेडिकेटेड एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च, तो हम ऑलवेज एग्रीड हैं, ऑलवेज ओपन है फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट, और फिर हम अपना रिसर्च और डेडिकेटेड वे में और बेहतरीन वे में कर सकते हैं। आपको हमसे कॉन्टैक्ट करने का हर एक इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगी, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए और चेकआउट कीजिए हमारा सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो लोग नहीं, एक्चुअली अगर कोई डॉक्टर या कोई कोविड पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट जो है वो इस चीज को देख रहे हैं, तो मैं जरूर आपको इनवाइट करना चाहूंगा रोजेंडे टॉक्स पर, क्योंकि काफी सारे मिथ्स जो है मैं रोजेंडे टॉक्स पर आपको लाकर कोविड के बारे में जो है वो जो मिथ्स आ रहे हैं उन पर मैं बातचीत करना चाहूंगा, उनको मिथ्स को जरा साइंटिफिकली टैकल करना चाहूंगा। सो अगर कोई इस तरह से इस चीज को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनवाइट करता हूँ रिजेंडर टॉक्स पर। सो आगे बढ़ते हैं सुब्रजीत भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि मास्टर क्लास का आपका पैटर्न क्या होता है, और क्या
एक स्टूडेंट को एक्सपेक्ट करना चाहिए मास्टर क्लास से, और क्या कुछ उसको पहले से स्किल्स आनी चाहिए कि अगर वो मास्टर क्लास के लिए जा रहा है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को आप सीखना चालू करते हैं तो बेसिक्स आपको आनी चाहिए, कुछ कुछ बेसिक्स। सो वो क्या बेसिक्स हैं, सो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो हमारा जो स्पेसोनोवा का एस्ट्रोबायोलॉजी मास्टर क्लास है, ये कहीं ना कहीं इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट डेडिकेटेड मास्टर क्लास है, जो कि एक 3 वीक लॉन्ग प्रोग्राम है। तो 21 डेज का होता है ये प्रोग्राम। हर हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस एट द मोस्ट होती हैं, जो 1 आवर 1.5 आवर का होता है। और ये कन्वेंशनल जो क्लासरूम वाला फीलिंग वाला क्लास नहीं है, यहाँ पे एक बंदा आपको बोलेगा और आपको बस बैठ के नोट्स लिखना है, ये वो चीज़ नहीं होता बिल्कुल भी। ये एक इंटरैक्टिव सेशन है जहाँ पे हम एक साथ डिस्कशन करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप एक मूवी देख रहे हो, आप एक थिएटर के अंदर बैठे हो और आपको इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। और ये मेरा मानना सिर्फ नहीं है, ये जो बंदे पहले भी मास्टर क्लास अटेंड कर चुके हैं, सबका यही मानना है, सबने काफ़ी इंजॉय किया। इस मास्टर क्लास का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हैंड्स ऑन सेशन। एक मिनट, मैं एस्ट्रोबायोलॉजी में आपको हैंड्स यहाँ ऑन पर करना काफी डिफिकल्ट है। बीच में 1 मिनट के लिए रोकूंगा सुब्रजीत। जो लोग भी मास्टर क्लास कर चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा उन्हें कांटेक्ट करने की, और कोशिश करूंगा एक ग्रुप डिस्कशन उनके साथ में रुजेंडर पर ही रखूं कि किस तरह से स्पेसोनोवा की जो मास्टर क्लासेस हैं वो रही हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। और मैं भी आता हूँ एक आध मास्टर क्लास में, सो समय निकाल कर आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ये आएंगे। जरूर एक काफी अच्छा आइडिया है। और आपको तो बहुत बहुत वेलकम है हमारे मास्टर क्लास में। आप बहुत खुश होंगे आपको देखने देखने कर हमारे मास्टर क्लास में। एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, सो कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तो हैंड्स ऑन सेशन एक स्पेशल एस्पेक्ट है हमारे मास्टर क्लास का। जैसे मैंने अभी बताया कि हम एस्ट्रोबायोलॉजी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करके कंप्यूटर के सहारे से हम रिसर्च करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सिमिलर चीज़ हम इस मास्टर क्लास में भी सारे पार्टिसिपेंट्स को दिखाएं, उनसे भी करवाएं, ताकि वो सिर्फ ऐसा एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन ही उनको ना मिले, बल्कि उनको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिले, जहाँ पे वो खुद भी कुछ करने के काबिल बने। और इस मास्टर क्लास के ख़त्म होने पर वो भी एक वेबिनार करवा सके, वो भी कहीं पे अगर टॉक देना चाहे तो वो भी वो कर सकते हैं, वो खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं, वो खुद का प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मास्टर क्लास है ये एस्ट्रोबायोलॉजी पे है, और जैसे एस्ट्रोबायोलॉजी काफ़ी वेराइड फील्ड्स को कवर करती है, उसी तरह हमारा मास्टर क्लास भी काफ़ी सारे फील्ड्स को कवर करते हैं। बायोलॉजी हो गया, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जियोलॉजी, प्लैनेट एंड स्टार फॉर्मेशन, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, एलियन लाइफ, कैसे हम उनको ढूंढ सकते हैं, कैसे ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, ऑल्टरनेट केमिस्ट्रीज, क्या सिलिकॉन बेस्ड लाइफ एक पॉसिबिलिटी है या फिर आर्सेनिक बेस्ड लाइफ, इन सब चीज़ों पे भी हम काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, काफ़ी डेप्थ्स पे जाके हम बातचीत करते हैं। और ये काफ़ी फन एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के बाद कोई भी पार्टिसिपेंट, इतना इन्फॉर्मेशन उनको ज़रूर मिल जाएगा कि वो खुद एक जगह जाके एक टॉक दे सके, खुद एक प्रेजेंटेशन दे सके, अपनी यूनिवर्सिटी में हो, अपने कॉलेज में हो, या फिर अपने स्कूल में हो, या फिर कहीं ना हो तो कोई यूट्यूब चैनल पे ही हो, दे वुड बी डेफिनेटली एलिजिबल फॉर गिविंग अ वेबिनार और अ टॉक ऑन एस्ट्रोबायोलॉजी। यही हमारा मकसद है और ये होते हुए हमने ऑलरेडी देखा है। तो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोबायोलॉजी राइट नाउ। वो कितने समय की होती है? पिछली बार शिवम से जब मैंने बात करी थी तो घर पे पॉडकास्ट करोगे तो सीटियां जरूर बजेंगी दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। खाना पक रहा है और पॉडकास्ट करने के बाद गर्मा गर्म खाऊंगा मैं, तो सीटियां बजती रहनी चाहिए। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो मास्टर क्लास जो होती है वो कितने टाइम की होती है? लाइक इसका ड्यूरेशन क्या होता है? 1 वीक लंबी होती है या 1 मंथ लंबी होती है या किस
ड्यूरेशन तक चलती है ये। तो ये जो मास्टर क्लास है एस्ट्रोबायोलॉजी मास्टर क्लास, ये 21 डेज का ड्यूरेशन होता है, 21 डेज के लिए होती है, रेगुलर नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा बैक टू बैक क्लासेस, शायद 2 क्लास या 3 क्लास, लेकिन बीच में गैप्स होती हैं और बोनस सेशंस भी होती हैं, जो कि एक सरप्राइज है, वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता। आप लोग आइए मास्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए तो आपको मिलेगा, जो कि आपके करियर बिल्डिंग के लिए, आपका पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बोनस सेशंस भी आपको इसी मास्टर क्लास के पैकेज में इंक्लूडेड मिलता है, और कंप्लीट चीज़ 21 डेज के लिए होती है। और जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा और कब स्टार्ट होगी, उस सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रखी हैं। सो उस चीज को जाकर एक बार आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा, कौन से टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे और किस तरह से क्लासेस होंगी। अच्छा, क्लासेस के बीच में आप लोग ब्रेक देते हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे एक टीचर थे तो क्लासेस के बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं देते थे, और 5 घंटे की क्लास होती थी और वो पूरा 5 घंटे खींचते थे। मैं यहाँ पे ऐड ऐड भी करना चाहूँगा कि हमारे 2 क्लासेस के बीच में तो गैप होती ही है, और एक जो सेशन चलता है, सपोज 1.5 घंटे का सेशन चल रहा है, तो उसके बीच में भी हम गैप देते हैं इनको। इसको हम फन वे में हैव अ किटकैट ब्रेक कहते हैं, तो ये हमारा खुद का मतलब एक स्टाइल है। तो किटकैट ब्रेक लेते हैं हम बीच में, जहाँ पे बंदे खुद का डाउट्स पूछ सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो सकते हैं, और आराम से कैजुअली एंजॉय करते करते सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और जैसे आपने बताया कि ज्वाइन करने के सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में होंगे, मैं यहाँ पे इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि अभी एक बहुत ही बड़ा, एक मैसिव अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ है देन द रियल प्राइस ऑफ द मास्टर क्लास। तो आप जितने भी बंदे देख रहे हैं, जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को, और आपको सारे डिटेल्स ईमेल में मिल जाएंगी, और जल्दी जल्दी रजिस्टर कीजिए, एनरोल कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। और अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको फ्री में एक वेबिनार भी अटेंड करने को मिलेगा एस्ट्रोबायोलॉजी पे, जहाँ पे आप अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट सब कुछ और क्लैरिफाई कर सकेंगे बिफोर द मास्टर क्लास बिगिंस। तो बिना वक्त गवाए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक्स चेकआउट कीजिए और रजिस्टर कीजिए, एनरोल कीजिए एस्ट्रोबायोलॉजी मास्टर क्लास के लिए। बिल्कुल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। सो सुप्रदीप, ये बताइए कि ये मास्टर क्लास है किसके लिए? सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या 12th के बाद के स्टूडेंट्स के लिए है, या अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है? लेमैन पर्सपेक्टिव से समझाया जाएगा, तो कौन कौन लोग हैं जो इस मास्टर क्लास को अटेंड करेंगे या कर सकते हैं बेसिकली? तो ये मास्टर क्लास हमने सबके लिए रखा है, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पोस्ट डॉक, मास्टर्स, बैचलर्स, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ साइंस के लिए, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है। अगर हम अपना फर्स्ट बैच के बारे में बात करें तो वहां पे क्लास 12 का भी बच्चा आया था, क्लास 6 का भी बच्चा आया था, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक, हार्वर्ड में मेडिकल साइंस का स्टूडेंट भी आया था। तो काफी वैराइड ऑडियंस थी और सबने एंजॉय किया, क्योंकि हमारा जो ये कोर्स कंटेंट है वो इसी तरह से बनाया गया है कि इसको समझने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए। हाँ, एक दो चीज हो सकता है कि आपको बेसिक्स ऑफ साइंस थोड़ा सा आना चाहिए, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हम एक ई बुक देते हैं जहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है, डेफिनेशंस हो गया, की पॉइंट्स टू रिमेम्बर, सब कुछ वहां पे मेंशन रहता है, वो आपका टेक्स्ट बुक जैसा ही है। और फिर भी आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमको बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल हैं। जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं इस मास्टर क्लास का, हमारा एक डिस्कॉर्ड चैनल है, डिस्कॉर्ड सर्वर है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ स्पेस एंथुसियास्ट्स हैं, काफी सारे बंदे हैं, वहां पे हम ओपन डिस्कशंस करते हैं, कोई भी डाउट होता है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स उन तक पहुंचाने के लिए इन अ वेरी इजी एंड फन वे। तो इसके लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट होना तो जरूरत नहीं है मास्टर क्लास के लिए। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आ जाइए,
बाकी का हम संभाल लेंगे। जहां पे भी आपको दिक्कत होगी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केटर टू यू एंड इट्स टोटली अप टू अस। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप आइए, एंजॉय कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और खुश रहिए। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, लैंग्वेज यहाँ पर जो होगी वो इंग्लिश और हिंदी होगी, इंग्लिश और हिंदी का एक मिक्सचर होगी। हाँ बिल्कुल, तो हम मोस्टली इंग्लिश में ही करते हैं, अगर इंटरनेशनल ऑडियंस भी रहती है, जैसे लास्ट टाइम हमको हार्वर्ड से, यूएसए से, मेक्सिको से भी स्टूडेंट्स आए थे, तो उनके लिए हमको इंग्लिश पे ही ज्यादा एम्फसाइज करना पड़ा। लेकिन किसी भी बंदे को अगर इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको इन्फॉर्म कर सकता है और हम उनके लिए हिंदी में या फिर उनके रीजनल लैंग्वेज में भी हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे। इसकी कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये रीजनल लैंग्वेज वाली बात से आपने मतलब किल कर दिया जिसे हम लोग कॉमेडी में कहते हैं कि किल कर दिया, मतलब ऑडियंस पूरी बहुत हमारे पेसोनोवा में काफी सारे स्टेट के बंदे हैं जो काफी सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो कोई भी आपको रीजनल लैंग्वेज में समझा सकता है। जैसे मैं खुद एक बंगाली हूँ, तो अगर आपको बंगाली में समझना है मैं बंगाली में समझा दूंगा। कोई बिहारी है, कोई साउथ से है, तो आपको रीजनल लैंग्वेज की कोई टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर करेंगे पॉडकास्ट को हम लोग एंड और सुब्रजीत से हम लोग विदा लेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट वन को पार्ट टू करके देखा है, पार्ट टू को पार्ट वन करके देखा है, बहुत कंफ्यूजन हो रखी है भाई, सो ऑल द बेस्ट टू यू। और जाते जाते सुब्रजीत, ऑल द बेस्ट फॉर योर मास्टर क्लासेस एंड फर्दर आपके जो भी आगे के प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनमें भी आपको बहुत ही ज्यादा जो है रिसर्च करने का और ज्यादा मौका मिले। एक रिसर्चर को और क्या चाहिए यार, जितना ज्यादा रिसर्च करने का मौका मिलता है उतना ही ज्यादा उनके लिए अच्छा रहता है। मनी वगैरह माइंड जो है वो नहीं सोचता अगर रिसर्च करने का उतना मौका मिलता है तो। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्या किसका वेट कर रहे हो यार, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। अब 1K हो गए हैं तो 10K तक तो लेके जाओ, बीमारी से उठा है आदमी, अब दोबारा से पॉडकास्ट कर रहा है तो थोड़ा तो तुम लोग दिखाओ ना कि भाई सब्सक्राइब करेंगे, तो भाई भी बोलो, भाई सब्सक्राइब के लिए बोलो एक बार। बिल्कुल, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे रोजेंडर भाई काफी मस्त काम कर रहे हैं, इतने सारे साइंस के फील्ड्स में जो दिग्गज हैं उनको लाते हैं आपके पास, काफी इजी वे में वो आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए रोजेंडर भाई को बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है, अगर आपको एस्ट्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो इसको कमेंट करके हमको बताइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप जानते हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर मोर कंटेंट, क्योंकि रोजेंडर भाई के प्लान्स भयंकर हैं, वो काफी सारे मस्त मस्त चीजें प्लान करके रखे हैं, तो आप बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करना चाहते होंगे। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक्डइन की, डिस्कॉर्ड की, तो आप उन पे जाइए, उन पे ज्वाइन कीजिए मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, और आई वुड लव टू टॉक टू यू गाइस, और थैंक यू रोजेंडर भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड हमेशा आप लोग जैसे जो लोग एंथुसियास्ट हैं उन वो लोग हमेशा ही रोजेंडर टॉक्स पर सबका स्वागत है। सो चलिए मिलते हैं अगली बार, थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।